दोस्तों नमस्कार, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर आप एक जापानी लड़की जो बहुत प्यारी और बहुत मासूम है उसका वीडियो देख रहे होंगे, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो जापानीज रेलवे है वो इस अकेली लड़की के लिए उसके गांव तक एक ट्रेन चला रही है जिससे कि ये बच्ची स्कूल आ सके और स्कूल से वापस अपने घर जा सके। ये लड़की जापान के होकाइडो, एक टापू है जापान का जो काफ़ी नॉर्थ में पड़ता है, काफ़ी ठंड वहाँ पड़ती है, बर्फ़ वगैरह गिरती है, बड़ा खूबसूरत जगह है, वहाँ की रहने वाली है। जो स्टेशन इसके घर के पास है जहाँ से ये ट्रेन पकड़ती है उसका नाम है कामी शिराटाकी। इस बच्ची का नाम है कैना हराडा। तो दोस्तों इस बात को आगे बढ़ाने से पहले जरा इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तब बात आगे करते हैं आपसे। This train station in Japan had one single passenger for years, and you won't believe the reason why. See, they were about to close the station because of its remote location. The area is almost empty, and no one there really used the train, except for this one girl. She isn't rich or some princess. She was just a regular high school student, and her name is Kana Harada. The train workers realized that Kana needed to use this station to go to her school, and because Japan really believes in the importance of education, they decided to keep it operating till she graduated, an entire train station being kept just for one person, perhaps showing the best example of the amazing spirit of Japanese people. तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, अब इसकी कहानी ये है कि जापान रेलवे जो है वो होकाइडो में जो इस गांव तक ट्रेन जाती थी कामी शिराटाकी, वहां चूंकि वो रेलवे स्टेशन अंडर यूज है तो वहां के ऑपरेशंस को ये रेलवे बंद करना चाहती थी। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि इस गांव में एक ऐसी बच्ची रहती है जो अपने स्कूल जाती है और वहां से वापस आती है और उसके पास मात्र ट्रेन ही एक साधन है जिससे कि वो टाइमली अपने स्कूल पहुंच सके और टाइमली अपने घर आ जा सके, तो उन्होंने अपने फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये बच्ची अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर लेती तब तक हम इस ट्रेन को चलाते रहेंगे। जापान रेलवेज के इस अद्भुत कृत्य से जापान रेलवेज की पूरी दुनिया में बड़ी वाहवाही हो रही है। चूंकि ये वीडियो और इस तरह के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, तो इस बच्ची की कहानी घर घर तक पहुंच गई है और लोग इस बात को जानकर बड़े हैरान हैं कि एक गवर्नमेंट अपनी एक बच्ची के लिए इतना कुछ कैसे कर सकती है। और जाहिर सी बात है ये कहानी बड़ी मार्मिक है और दिल को छू लेने वाली है, और सरकारें अगर ऐसा करें वो भी एक बच्ची के लिए या किसी एक शख्स के लिए, तो ये वाकई बहुत काबिले तारीफ बात है और हम सबको इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी कितनी वायरल है, कितनी लोकप्रिय है, और लगभग लगभग सभी को इसके बारे में पता है। सभी के मन में जापान सरकार के प्रति, जापान रेलवे के प्रति बड़ा आदर और सम्मान है। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि जो भी सोशल मीडिया पे चलता है वो कभी अर्ध सत्य होता है, कभी पूर्ण असत्य भी होता है। तो मैंने जब इसकी जाँच पड़ताल शुरू की तो मैं एक प्रूफ के साथ आपके सामने आया हूँ। ये स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसको देख लीजिए। तो दोस्तों अरब टाइम्स अखबार के अनुसार, और उसमें भी उस अखबार में एक और अखबार का मेंशन है जो है ताइवान एप्पल डेली का, तो ताइवान एप्पल डेली के हवाले से अरब टाइम्स एक खबर देता है कि वो लड़की अकेली नहीं जाती थी उस स्टेशन से अपने स्कूल, और ना ही वापस आती थी, उसके साथ जाने वाले 10 स्टूडेंट्स और थे। और जो वो पहली ट्रेन पकड़ती थी अपने गाँव के पास वाले रेलवे स्टेशन से कामी शिराटाकी से, वो सुबह 7:15 बजे उसको लेनी होती थी, और शाम को जब उसको स्कूल से लौटना होता था तो अकेली ट्रेन नहीं थी, उसके पास तीन ऑप्शन थे, तीन ट्रेनें थी, जिसमें कि जो सबसे लास्ट ट्रेन चलती थी वो शाम को 7:25 पर चलती थी। तो उसके पास तीन ऑप्शन थे, किसी भी ट्रेन से वो आ जा सकती थी। एप्पल डेली के अनुसार JR यानी जापानीज रेलवेज अपनी सुविधा के लिए तीन स्टेशन बंद करेगी जो कि अंडर यूज्ड है, मतलब उस पर पैसेंजर्स का आवागमन बहुत कम है, या तो पैसेंजर्स है नहीं क्योंकि लोगों ने अपने गांव छोड़ दिए, तो वहां रहने वाले बहुत लोग कम हैं। जो तीन स्टेशन जापानीज रेलवे बंद करेगी उनका नाम है, एक तो कामी शिराटाकी जहां से ये लड़की कहा जाता है कि ट्रेन पकड़ती थी। सच ये है कि ये लड़की क्यों शिराटाकी से ट्रेन पकड़ती थी, जो कि इसके कामी शिराटाकी से एक पहले का स्टेशन है। तो जापानीज रेलवे जो है वो जिन तीन स्टेशन को बंद कर रही है वो कामी शिराटाकी, क्यों शिराटाकी और शिमो शिराटाकी, और उनके इस फैसले से इस बच्ची के आने जाने का कोई लेना देना नहीं है। घटना 2016 की है और मार्च 26, 2016 में उस बच्ची ने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है और वो स्टेशन बंद किया जा चुका है। लेकिन वो वीडियो है वो आज भी सोशल मीडिया पे वायरल है, ऐसा लगता है जैसे आज या कल की घटना हो। दोस्तों इस वीडियो को पोस्ट करने का मतलब ये था कि सही बात है कि घटना बड़ी मार्मिक है
और अगर ये सच होती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसमें सच जरूर है, थोड़ा बहुत गलत तथ्य भी है। तो बताना ही चाह रहा था कि व्हाट्सएप पर प्राप्त की हुई जानकारी हमेशा सच नहीं होती, अर्ध सत्य होता है, पूर्ण असत्य भी होता है। मैंने सोचा इस वीडियो का सच आपसे शेयर करूँ, थोड़ा मैंने रिसर्च किया, थोड़ी जानकारी जुटाई और आपके समक्ष रख दी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी तरह के तथ्यों से और अच्छे अच्छे वीडियो से आपको अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।